हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वीडियो चल रही है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स लिए। सब्जेक्ट चल रहा है लाइब्रेरी सोर्स एंड आर्ट इन एजुकेशन। सेक्शन ए डन, सेक्शन बी दे टॉपिक चल रहे हैं। सेक्शन बी दे विच आपां स्कोप ऑफ एस्थेटिक्स कर रहे थे। आपां पांच पॉइंट है जिहड़े अपने हो चुके थे, समय की बचत आपां लास्ट पॉइंट किया सी। अज आपां सिक्स पॉइंट तो शुरू करांगे। पॉइंट नंबर सिक्स इज कला ते होर विशेयां नूं आसान बनाउंदी है। आर्ट मेक्स अदर सबजैक्ट ईजी। आर्ट ते होर विशे नूं, जिहड़ा अपना एस्थेटिक है सहज शास्त्र दा, इह की करदा है आर्ट नूं ते बाकी जिहड़े विषय है उहनां नूं बहुत ज़्यादा ईजी बना दिंदी है। उहनां विच आपां नूं काम करना बहुत ज़्यादा सौखा हो जाता है। सैवन दिस हत्थी काम करन लई मानसिक सिखलाई, मैंटल ट्रेनिंग थ्रू हैंड। देखो, हैंडक्राफ्ट करन लई ना मैंटल लेवल अपना स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो भी आप चीज़ें अपने हाथ नाल बनाने हैं वो अपने माइंड तो चल के चलती हैं। किस तरह उन्होंने चीज़ों बनाना है तो यह अपन मैंटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सहज शास्त्र किसी भी चीज़ को हाथों की सिखलाई वधिया ढंग नाल चलाने लई जिहड़ा अपनी मैंटल ट्रेनिंग है अपन सहज शास्त्र द्वारा दिती जाती है। एट इस कला रचनाशीलता वधाउंदी है। आर्ट डिवेलप्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इंप्रूव करन दे विच हैल्प करती है। क्रिएटिव बनाती है, आप किस तरह चीज़ों वधिया तरीके नाल कर सकते हैं उन्होंने चीज़ों डिवेलप करन दे विच अपनी काफ़ी ज़्यादा हैल्प करती है। नाइन पॉइंट इज एकाग्रता ते उपयोगता की आदत पैदा करन विच कला सहायता दिंदी है। आर्ट हैल्प टू एक्वायर हैबिट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड एप्लीकेशन। उस तो इलावा कहते किसी भी तरह की कंसंट्रेशन डिवेलप करने की, किसी भी तरह की हैबिट्स डिवेलप करने के आर्ट अपनी जी सहज शास्त्र है वो बहुत ज़्यादा हैल्प करता है। सर्वपक्षी विकास एक होंगे ना, ऑलराउंड डिवेलपमेंट, एक व्यक्ति के ऑलराउंड डिवेलपमेंट के भी सहज शास्त्र की बहुत वड्डी भूमिका होंगी है। कला निरीक्षण और पहलकदमी शक्ति कला ही प्रफुल्लित करती है। आर्ट फोर्सेस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑब्जर्वेशन एंड इनिशिएटिव। कहते किसी भी किस्म का निरीक्षण, मतलब किसी किस्म की छानबीन करनी, किसी किस्म के काम को करने की पहल लेनी, ये सारिया चीज़ों में प्रफुल्लित करने के सहज शास्त्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कला या शक्ति चित्रण और प्रकृति चित्रण विकसित करती है। आर्ट डिवेलप्स मैमरी इलस्ट्रेशन एंड नेचर ड्रॉइंग। कहते कला अपनी किसी भी किस्म की मैमरी स्ट्रोंग करने के, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देने, नेचर ड्रॉ करने आपां हेल्पफुल होंगी है। कला किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान विकास करती है। आर्ट डिवेलप्स एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली। उस अलावा कहते आर्ट की करती है किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञानिक किसी की साइकोई स्ट्रोंग करने के बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कला व्यक्ति नैतिक तौर पर विकसित करती है। आर्ट डिवेलप्स अ परसन मॉरली, मॉरली मतलब समाज के किमें विचरना है, मॉरल वैल्यूज अपनी किमें जनरेट करनी है, उसके भी जी है ये अपनी हेल्प करती है। व्यक्ति बौद्धिक तौर पर विकसित करती है। इट डिवेलप अ परसन इंटलैक्चुअली, बौद्धिक अपना जो मानसिक संतुलन है या अपना इंटलैक्चुअल वे है, बौद्धिक अपनी इंटैलीजेंसी डिवेलप करने के भी अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। व्यक्ति समाजिक तौर पर विकसित करती है। इट डिवेलप अ परसन सोशली, मतलब सोशल समाज के एक व्यक्ति किमें विचर सकता है, समाज के प्रति की उहदियां जिहड़ियां हैगियां भावनावां नूं अपने व्यक्तिगत कर सकता है, ये भी उहदे विच अपनी हैल्प करती है। हुण आ गया आर्ट इन एजुकेशन, सिक्ख्या विच कला। हुण आपां आर्ट देख लिया, एस्थेटिक देख लिया, अलग अलग देख लिया। हुण कहिंदे आर्ट नूं आपां एजुकेशन दे नाल जोड़ के किमें यूज़ कर सकते हैं, सिक्ख्या विच कला की भूमिका है। सिक्ख्या विच कला तो भाव है सिक्ख्या विच कलावां दा एकीकरण। सिक्ख्या विच कला तो की भाव है, मतलब सिक्ख्या दे विच आपां बहुत सारियां कलावां नूं मिल के एक इंटीग्रेशन करते हैं उन्होंने चीज़ों की। आर्ट इन एजुकेशन इज अ प्राइमरी पाथवे टू लर्निंग, अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी ऑफ मीनिंग ऑफ टीचिंग फॉर एस्थेटिक एक्सपीरियंस। एक सहज शास्त्र के एक कला के किस तरह की भूमिका निभा सकते हो, वो सारिया चीज़ा आप सिक्ख्या तो ग्रहण कर सकते हैं। हूँ ये देखो यदिया उ डायग्राम है, ये परिभाषा आएगी, मीनिंग आएगा, ठीक है, महत्ता इंपॉर्टेंस की है, कंसैप्ट हो गए, तो यदा उद्देश की है, ऑब्जैक्टिव की है। सब तो पहला आप देखते हैं मीनिंग अर्थ। आर्ट इन एजुकेशन इज एन एक्सपैंड फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रैक्टिस थ्रू आर्ट एक्सपीरियंस। कहते आर्ट इन एजुकेशन के किसी एजुकेशन के फील्ड को एक्सपैंड करना, खोल देना पूरा, रिसर्च करनी वो किसी भी किस्म की कोई प्रैक्टिस करनी है। देखो आर्ट के नाल की है ना, अपन एजुकेशन दी बहुत सारिया जो धारणावं है उन्होंने पता लगता है, क्योंकि आर्ट के आप अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस लें, ठीक है, एक्सपीरियंस मानते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस आप एजुकेशन फील्ड के यूज़ कर सकते हैं। सिक्ख्या कला विद्यार्थी की कल्पना कौशल और खोज द्वारा निर्मित विचार की अभिव्यक्ति है। कहते सिक्ख्या कला किसी भी विद्यार्थी की कल्पना है। देखो सिक्ख्या दे विच कला ये तो नहीं सिर्फ टैक्सट बुक्स पढ़ा के बच्चे को छड़ दो, बच्चे के अंदर कुछ इमेजिनेशन होंगे, बच्चे आपदी कलावं होंगे, बच्चे की जी इनर भावना है उन्होंने बाहर लैके आने जी आर्ट है वो बहुत ज़्यादा हैल्प करती है। हीथर वॉल्स अनुसार कला सिक्ख्या
21वीं सदी के रचनात्मक मन के निर्माण का एक बड़ा अंग है। 21वीं सदी के जो व्यक्ति 21वीं सदी में की है ना, व्यक्ति अपने मन की भावना अभिव्यक्त नहीं कर पाता चंगी तरह, अपने मन के चल रहा अभिव्यक्त किसी सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वह एक वधिया तरीका की है कला के थ्रू, कला के थ्रू, आर्ट के थ्रू आप जी अपनी मन की भावना उन्होंने वधिया तरीके बाहर कर सकते हैं। आर्ट्स एजुकेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ 21st सेंचुरी क्रिएटिव माइंड। एक वधिया क्रिएटिव माइंड बनाने 21st सेंचुरी में आर्ट की एक बहुत ही वड्डी भूमिका है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस की है, यदि महत्ता की है, सब तो पहला है पाठक्रम की भरपूरता, इनरिचिज द करिकुलम। कहते हूँ ये की है पाठक्रम, जो एक सब्जेक्ट मैटर के ना रिलेटिड चीज़ा होंगे वो तो देखो आर्ट के तो मिलेगा ही मिलेगा। करिकुलम तो पूरा अपने एक आसे पासे के इनवायरमेंट एक जो भी चीज़ा आपको एक पाठक्रम के चाहिए होंगे उन्होंने ये भरपूर फॉर्म के अपने सामने रिप्रजेंट करते। सैकेंड कलावान का प्रवेश द्वार, गेटवे टू द आर्ट। उस अलावा कहते ये एक सिक्ख्या जी है वो अपन आर्ट तक पहुँचाने आर्ट अपन सिक्ख्या के पहुँचाने एक बहुत व्डा दरवाजा है। ये दोनों की है एक इंटरचेंजेबिलिटी के तौर पर काम करते हैं। थर्ड जीवन कौशलों का निर्माण, डिवेलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। तुम एक लाइफ के किमें विचर सकते हो, किस तरह डिवेलपमेंट कर सकते हो, है ना, उन्होंने चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फोर्थ इज मुलों का पोषण, न्यूट्रिशन वैल्यू, जो अपन वैल्यूज अपन मैनैतिक कदर कीमत है उन्होंने भी कहने ना एक पोषण की जरूरत होंगी है। तो आर्ट की है अपन जीडिया नैतिक कदर कीमत उन्होंने जिंदा रखने वधाने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी है। फिफ्थ जीवन वर्धक आनंद, लाइफ इनहेंसिंग प्लेजर, एक होंगे ना आनंद प्राप्त करना जीवन के जो लाइफ इनहेंसिंग प्लेजर है वह अपन कितों मिलता है, आर्ट तो ही मिलता है। जीवन व्यापी रुचि, लाइफ लॉन्ग इंट्रस्ट, एक व्यक्ति के इंट्रस्ट की है जिंदगी दे विच रहिंदे होए किहड़े इंट्रस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, आर्ट आपां नूं अपने अंदरूनी इंट्रस्ट नूं बाहर लियाउण दे विच हैल्प करता है। ज्ञान नूं रुचिपूर्ण बनाना, मेक नॉलेज इंट्रस्टिंग। हुण देखो एक तो होंदा बुकिश नॉलेज लै ली, बस एक आपां रट्टे लगा रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं चीज़ों, बट कुछ कढ नहीं पा रहे, उस ज्ञान नूं इंट्रस्टिंग बनाउणा ताकि आपां उहनां नूं आपदी आम जिंदगी दे विच लागू कर सकीए, उहदे विच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। 9th विहारिक सिखलाई प्रदान करना, गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल जी नॉलेज है वो देखो आर्टिस्टिक फॉर्म के होंगी, अपने हत्था द्वारा चीज़ों बनाने उन्होंने अपने आप चीज़ों करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी है वो देने दे विच अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दिया। उस बाद अपने स्टूडेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव रह गए हैं, तो कल्चरल फेस्टिवल वगैरह वाला टॉपिक रह गया है, तो बहुत जल्दी थोड़ा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाना है। आज की वीडियो के आप इन्ना ही करा, तो प्लीज़ वीडियो में ध्यान नाल सुन लियो, तो अपना सिलेबस नाल दी नाल कवर करते जाओ, पढ़ते जाओ, ताकि पेपर के टाइम तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम जी फेस ना करनी पैन। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।